पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना कड़गा क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुई गोली कांड को आरोपी बनाए गए भावादर्श के संरक्षक लल्ला बाबू देवेंद्र और उनके बेटे को फंसाए जाने के विरोध में आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर भावादर्श से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पूरे मामले की गहनता से जांच के बाद ही आरोपी बनाए गए लोगों की गिरफ्तारी की जाए। प्रदर्शनकारियों के आरोप था कि जिस व्यक्ति को गोली लगी हुई है वह शराबी किस्म का है और उसे खुद ही गोली लग गई है। ज्ञापन में भावादर्श के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम इस संबंध में आईजी साहब से मिलने का टाइम लिया गया क्योंकि आज 3 तारीख की रात को जो घटना दर्शा थाना कटघर में जो घटना दर्शाई गई है उस घटना के संबंध में हमारा ये कहना कि निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। वो घटना सरासर झूठी है और मिथ्या घटना को एक निर्दोष लोग बना करके निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उसमें कहीं कोई दोषी है तो हम सामाजिक मामला हम समाज का सहयोग करने के तैयार हैं। एक षड्यंत्र के रूप में एक घटना को तैयार करा गया उसमें तैयार करने के बाद में निर्दोष लोगों को पूरे परिवार को एक साथ फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है हमारे से डीआईजी साहब से ये कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच करा ली जाए और जाँच के बाद में जो दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए, चाहे वो घटना करने वाला पक्ष हो या घटना जिसके साथ में हुई है।